हाय फ्रेंड्स, मैं एक नई उर्दू के साथ आज हम पढ़ेंगे मार्वलस मैग्नेट बुक। तो ये इसके पार्ट वन पार्ट टू हो चुके हैं, तो ये पार्ट थ्री है इसका। और इस वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे, मतलब इसको सारा पढ़ लेंगे, क्योंकि पार्ट टू और पार्ट वन में हमने इसको तो आधा पढ़ा था, तो आज हम इसको पूरा करेंगे। तो पेप्पा पिग की बुक है ये, पेप्पा पिग की ये पूरी स्टोरी बुक है। तो चलते हैं अब आगे देखने के लिए। यहाँ पर मैग्नेट्स दिए हुए हैं, क्योंकि स्टोरी में वहाँ लिखा भी हुआ है। तो हम यहाँ तो पिछली वीडियो में हम यहाँ तक पहुँच गए थे, मतलब यहाँ तक। तो अब हम यहाँ से पढ़ेंगे और आज हम इसको पूरा एंड तक पढ़ देंगे, ओके? तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। फैंटास्टिक, नाउ पेप्पा एंड जॉर्ज कैन एंजॉय द पार्टी विद देयर फेवरेट फ्रेंड्स। एंजॉय, दिस इज द बेस्ट पार्टी एवर, क्राइज पेप्पा। पार्टी टीयर्स जॉर्ज। तो इसका मतलब है कि जो अब सब एंजॉय कर सकते हैं पार्टी को, और ये बेस्ट पार्टी है, और इसलिए क्राई कर रही है पेप्पा, क्योंकि ये बहुत अच्छी है ना, इसलिए खुशी क्या है शायद। पार्टी चीयर्स जॉर्ज। तो अब आगे चलते हैं। It's night time and Peppa and George are tucked up in the bed with Daddy and Mr. Dinosaur. तो इसका मतलब है कि जो Peppa and George है वो बेड में लेट चुके हैं अपने Mr. Dinosaur और Daddy के साथ। तो अब आगे पढ़ते हैं। Can you put mommy and daddy pig on the picture and ask them to read a bedtime story? तो यहाँ पर अभी हमारे मैग्नेट्स का यूज़ है, तो जल्दी से मैग्नेट्स का हम यूज़ कर लेते हैं और फिर आगे स्टोरी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमें चाहिए दादी पिग और मम्मी पिग। तो ये मम्मी और दादी पिग आ चुके हैं। तो अब हम आगे स्टोरी रीड करते हैं, इनको रख देते हैं अब। तो अब हम चलते हैं आगे। परफेक्ट, नाउ एवरीवन कैन गो टू स्लीप। इसका मतलब है कि आप सब स्लीप के लिए जा सकते हैं, मतलब सो सकते हैं। बेड टाइम स्टोरीज आर माय फेवरेट, विस्पर्स पेप्पा, क्लोजिंग हर आईज, ग्रंट ग्रंट, स्नॉर्ट्स जॉर्ज, नॉडिंग ऑफ टू स्लीप, गुड नाइट एवरीवन। तो इसका मतलब है कि अब जो पेप्पा है और जॉर्ज है वो आपस में बात कर रहे थे, और फिर उसकी आई से बंद होने लगी और वो सो गई। तो ये अब हमारी बुक ख़त्म हो चुकी है। तो बाय दोस्तों, मिलता हूँ एक नए वीडियो में। बाय दोस्तों।